नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है मदर्स डे, जाने इसका इतिहास। समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए वेतन राशि जारी। बालू के अवैध खनन को लेकर बीते महीने में राज्य के 8 जिलों में हुई 560 छापेमारी। कर्नाटक जीत पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी बधाई, प्रियंका राहुल गांधी ने कही ये बात। आईपीएल के 16वें सीजन में आज खेला जाएगा डबल हेडर मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में अलग अलग विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 123 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 55% अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही UGC नेट या CSIR नेट परीक्षा पास होना भी जरूरी है। इसके समक्ष परीक्षा पास होने या UGC के नियमों के तहत PhD की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट colrec.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज है मदर्स डे, जाने इसका इतिहास। आज यानी कि 14 मई को मदर्स डे है। बता दें कि मई महीने के दूसरे रविवार के दिन को हर वर्ष मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व होता है, इसलिए इस एक दिन को माँ के लिए समर्पित किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदर्स डे की नींव एना जॉर्विस के द्वारा रखी गई थी। वहीं औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा की गई थी। मालूम हो कि समय बीतने के साथ धीरे धीरे मदर्स डे अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई देशों में मनाया जाने लगा, ताकि हम माँ के प्रति अपने प्यार और लगाव को दिखा सके। भारत में मदर्स डे को बच्चों के द्वारा अपनी माँ के लिए अलग अलग अंदाज में मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग माँ को उनके फेवरेट गिफ्ट देते हैं तो कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को बाहर घुमाने भी लेकर जाते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में। कृष्ण वल्लभ सहाय, जिन्हें KB सहाय के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और फिर 1963 में एकीकृत बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने। उन्हें अपनी सुसंगता और सामंजस्य के लिए अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्टता के लिए बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल सर एडवर्ड गैड से सर एडवर्ड अल्बर्ट गैड के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। उनकी कृतियाँ बिहार विधानसभा में रखी हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर साल सहाय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देती है। कृष्ण वल्लभ सहाय 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1923 में सहाय ने समाज पार्टी के मंत्री के रूप में बिहार विधान परिषद में प्रवेश किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वामी सहजानंद द्वारा चलाए गए किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से सहयोग किया था। फर्जी कागजातों पर सिम बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचने और खरीदने वालों पर नकेल कसने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की कार्रवाई और उनसे मिले जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार पुलिस के द्वारा बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि राज्य में मौजूद ऐसे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस की नजरों से वे लोग भी नहीं बचेंगे जो बार बार नाम और पता बदलकर सिम कार्ड खरीदने का काम करते हैं। मालूम हो कि इस मामले को लेकर ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा कहा गया है कि इस मामले पर बिहार पुलिस की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि अप्रैल महीने से लेकर अब तक में DTO के द्वारा बिहार झारखंड के 2,30,000 वैसे मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया है जो फर्जी कागजात के आधार पर खरीदे गए थे। आरती के साथ हनुमंत कथा की शुरुआत। बीते दिन यानी कि 13 अप्रैल से बिहार की राजधानी पटना के सटे नौबतपुर स्थित तरेत पाली में बागेश्वर धाम के बाबा की हनुमंत कथा की शुरुआत हो गई है, जो कि अब 17 मई तक चलने वाली है। बता दें कि बीते दिन हनुमंत कथा की शुरुआत बजरंगबली की आरती के साथ हुई है। वह इस दौरान कार्यक्रम में BJP के कई नेता भी शामिल रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरती के दौरान मंच पर BJP की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, सांसद रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, बिहार BJP अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री नीरज बबलू मौजूद रहे। वहीं बीते दिन कार्यक्रम के पहले दिन हनुमंत कथा को सुनने वाले लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों के मन में कार्यक्रम को लेकर इतना उत्साह बढ़ा था कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने से प्रचंड धूप और गर्मी भी न रोक सकी।
समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए वेतन राशि जारी। बिहार में समग्र शिक्षा के तहत काम करने वाले प्रारंभिक शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा राशि जारी कर दी गई है और साथ ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन सबके अलावा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में समग्र शिक्षा के तहत काम करने वाले प्रारंभिक शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन के लिए कुल 8,22,66,44,824 रुपए में से तत्काल 6,02,46,10,751 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राशि प्राप्त के 48 घंटे के अंदर नियम के अनुकूल वेतन भुगतान करके इसकी जानकारी राज्य कार्यालय को दी जाए। बालू के अवैध खनन को लेकर बीते महीने में राज्य के 8 जिलों में हुई 560 छापेमारी। राज्य में आए दिन हमें बालू के अवैध खनन से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। इसी पर नकेल कसने के लिए राज्य के 8 जिलों में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि पहले चरण के तहत जिन जिलों में 22 अप्रैल से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत भोजपुर, रोहतास, वैशाली, सारण और कैमूर जिला शामिल है। वहीं बाकी बचे 2 जिलों में अभियान की शुरुआत 9 मई से की गई है जिसमें नवादा और औरंगाबाद शामिल है। मालूम हो कि इस अभियान के तहत अब तक 560 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर ली गई है और साथ ही इस मामले को लेकर कुल 144 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और इस दौरान करीब 700 से अधिक वाहनों की भी जब्ती की गई है। बता दें कि एडीजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर 131 एफआईआर दर्ज करते हुए 12.66 लाख सीएफटी बालू जब्त की गई है और साथ ही 15.21 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गुरुद्वारा श्री गऊघाट साहिब के बारे में। गुरुद्वारा श्री गऊघाट साहिब पटना शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह गुरुद्वारा पटना शहर में महात्मा गांधी सेतु के पास स्थित है। यह गुरुद्वारा प्राचीन है। यह गुरुद्वारा सिख लोगों को धार्मिक स्थल है। इस गुरुद्वारे का संबंध गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी से रहा है। यह गुरुद्वारा पूरा मार्बल से बना हुआ है और बहुत सुंदर लगता है। गुरुद्वारे के अंदर आपको गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप आकर अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर गुरुवाणी सुनने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको प्राचीन चक्की देखने के लिए मिलती है और वह स्थान देखने के लिए मिलता है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी घोड़ा बांधा करते थे। इस गुरुद्वारे में आकर आपको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। छपरा में ट्रक पर लोड 20 लाख रुपए का विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब की खेप और शराब तस्कर से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के छपरा का है जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा मांझी चेक पोस्ट पर हेड स्कैनर के माध्यम से यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के छापेमारी करने के दौरान एक ट्रक से ऑफिसर च्वाइस नामक ब्रांड की 230 कार्टून में कुल 2,001.6 लीटर अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की गई है और साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बरामद की गई शराब की कीमत बाजार मूल्य के अनुसार 20 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। वहीं जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उसकी पहचान दिल्ली के नजफगढ़ कॉलोनी के ईश्वर के रूप में की गई है। बता दें कि टीम के द्वारा ट्रक को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस शराब की खेप को पंजाब से बिहार लाया जा रहा था। 10वीं का छात्र बना दुनिया का सबसे कम उम्र का एक्सपर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर के अम्मा गांव का रहने वाला सूर्यांश ने केवल 14 साल की उम्र में आईआईटी कानपुर तक अपना सफर तय कर लिया है। दरअसल सूर्यांश ने आईआईटी कानपुर से ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का कोर्स किया है और अब वह दुनिया का सबसे कम उम्र का एक्सपर्ट बन गया है। मालूम हो कि अपने इस पढ़ाई के बारे में सूर्यांश का कहना है कि उनकी यह पढ़ाई क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाता है जिसकी पढ़ाई करने वाले को ब्लॉकचेन एक्सपर्ट कहा जाता है। सूर्यांश ने बताया कि यह कोर्स मूल रूप से पीजी डिप्लोमा है जिसे आमतौर पर ग्रेजुएट लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है लेकिन उन्होंने यह कोर्स स्पेशल रिक्वेस्ट कर और अपनी एलिजिबिलिटी दिखाकर की है। आयुष्मान योजना से अब तक नहीं जुड़े राज्य के सारे अस्पताल। बीते 6 साल से चल रही आयुष्मान योजना से अब तक बिहार के सभी अस्पताल नहीं जुड़ सके हैं। बता दें कि राज्य के अब भी 3 जिले ऐसे हैं जिनके अस्पताल इस योजना से नहीं जुड़े हैं जिनमें अरवल, जहानाबाद और शेखपुरा शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 वर्षों में इस योजना से अब तक कुल 965 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है लेकिन ये 3 जिले ऐसे हैं जहां के एक भी अस्पताल इस योजना से नहीं जुड़े हैं। इसके साथ ही यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इन 3 जिलों के अस्पताल सूचीबद्ध होने के शर्तों पर भी खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद विभाग के द्वारा इन 3 जिलों के लिए तय किए गए शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि इन्हें भी इस योजना से जोड़ा जा सके। बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों की बनेगी सिविल लिस्ट।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आईएएस आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तर्ज पर बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों और पदाधिकारियों की फोटोयुक्त असैनिक सूची यानी कि सिविल लिस्ट तैयार करने की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि सूची के लिए बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों और पदाधिकारियों के नाम, वर्तमान कार्यालय जहाँ यह काम करते हैं उसका नाम या विभाग का नाम, असैनिक सूची 2022 का क्रमांक, इनकी शैक्षणिक योग्यता, सहायक के पद पर योग्यता एवं सपुष्टि की तिथि, ईमेल, आरक्षण कोटी, मोबाइल पता समेत अन्य 12 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। मालूम हो कि इन सभी जानकारी को समाहित करके सूची जारी की जाएगी। बता दें कि इसके फॉर्मेट से जुड़ी जानकारी को जमा करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव के द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय समेत सभी आयोगों और अन्य सरकारी कार्यालयों को पत्र लिख 15 मई तक का समय दिया गया है। राजगीर के मलमास मेला को मिले राष्ट्रीय मेला का दर्जा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा राजगीर के मलमास मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा प्रदान कराने की मांग को लेकर नालंदा के पूर्व मुखिया एवं प्रकृति के अध्यक्ष नवेंदु झा, प्रकृति के सचिव रामविलास व नालंदा के जनप्रतिनिधियों व अन्य सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा किए गए हस्ताक्षर युक्त आवेदन संलग्न करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेले को हर 3 साल पर बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके महत्व को देखते हुए ही इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा भी प्रदान किया गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि मेला सभी मानकों और शर्तों को पूरा करता है, इसलिए आवेदन पर संज्ञान लेकर इस मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाए। बीसीए रजिस्ट्रेशन के विभिन्न कैटेगरी के महिला प्लेयरों का लिस्ट जारी। तदर्थ समिति के चेयरमैन राजेश कुमार और सदस्य रहबर आबदीन के द्वारा संयुक्त रूप से दी गई जानकारी के अनुसार पटना जिला में क्रिकेट संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति द्वारा पिछले दिन 8 मई को राजेंद्र नगर स्थित शाखा ग्राउंड पर आयोजित पटना जिला महिला क्रिकेट टीम सिलेक्शन ट्रायल में सीनियर अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 के लिए सिलेक्टेड प्लेयरों के लिस्ट को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए के द्वारा जारी कर दिया गया है। बता दें कि सीनियर के लिए जिस खिलाड़ी का नाम चयन किया गया है उनमें पूजा कुमारी, मानसी कश्यप, यशिका राज, डॉली कुमारी और शिखा सिंह के नाम शामिल है। वही अंडर 23 में ममता कुमारी, ऋषिका किंजल, खुशी कुमारी, कोमल कुमारी, स्वस्तिका सिन्हा और ग्रेसी सिंह का नाम शामिल है। अंडर 19 में सोनी कुमारी, स्वर्णिमा चक्रवर्ती, सुहानी कुमारी, संगीता चौहान, शालिनी रंजन, सलोनी कुमारी, स्नेहा कुमारी, दीपांजलि कुमारी, त्रियवशी चटर्जी, स्नेहलता अली हुसैन, श्रेया कुमारी, एंड्रे रानी, रशीम सिन्हा, रतिका राज, सपना कुमारी और सपना कुमारी के नाम शामिल है। इसके साथ ही अंडर 15 में स्नेहा प्रकाश, प्राची सिंह, मुस्कान कुमारी, अद्रिका कुमार, कुष्मांडा मंगली और सौम्या अखौड़ी का नाम शामिल है। राजस्व विभाग ने अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया। बिहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा अमीन पद के लिए अनुशंसित 70 अभ्यर्थियों को सारे कागजात के साथ आने वाले 17 मई को छज्जू बाग स्थित हिंदी भवन के ऑडिटोरियल में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि वैसे अभ्यर्थी जो किसी वैध कारण के तहत 17 मई को छज्जू बाग स्थित हिंदी भवन के ऑडिटोरियल में उपस्थित नहीं हो पाए, वे अपने कागजातों का सत्यापन करवाने के लिए 19 मई को हिंदी भवन के ही जिला स्थापना शाखा में उपस्थित हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए जिन कागजातों को लेकर जाने की जरूरत है उनमें बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय व जाति प्रमाण पत्र लेकर जाने होंगे। वहीं अगर सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कागजात गलत निकलते हैं तो उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य का मौसम बना रहेगा शुष्क। बिहार में इन दिनों गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में आंशिक कमी की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि पछुआ हवा में कमी आने की बात कही जा रही है जिसके कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम में यह नरमी झारखंड व उसके आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति के कारण देखने को मिल रही है। इधर मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात मोर्चा के कारण बिहार में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बिहार में इस तूफान की बहुत असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 15 और 16 मई को प्रदेश के अलग अलग भागों में दो तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में एक तरफ जहां तेज गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में 1 से 2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली चमकने और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। वीडियो जारी कर बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा के लिए बिहार वासियों को किया आमंत्रित।
बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हो चुका है और साथ ही उनके हनुमंत कथा के कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बिहार वासियों को कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, कैसे हो बिहार के पागलो, हम पटना के नौबतपुर आ रहे हैं, नौबतपुर में हनुमंत चरित्र की वार्ता को सुनाने आप सब तैयार है, सभी परिवार वाले अपने सगे संबंधी के साथ पंच दिवसीय हनुमंत चरित्र में आप सभी आमंत्रित है। बता दें कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह देने वाले हैं महाभोज। आज यानी कि रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन कार्यकर्ताओं के लिए मिलन समारोह सह मुंगेर के पोलो मैदान में महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस महाभोज में मटन पुलाव के साथ साथ शाकाहारी लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस भोज में 35,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। वहीं आज होने वाले इस भोज में ललन सिंह खुद अपने हाथों से खाना परोसने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महाभोज के परंपरा की शुरुआत ललन सिंह के द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से कोरोना महामारी के कारण इस भोज का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में इस बार के महाभोज में खास तौर पर सभी तैयारियां करवाई गई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत। कर्नाटक की 224 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना बीते दिन हो गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में कांग्रेस कर्नाटक फतह करने में कामयाब हो गई। वहीं अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी को महज 66 सीट मिली, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 135 सीटें आई। जेडीएस को इस बार उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जेडीएस के खाते में बस 19 सीटें ही मिल सकी, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। शुरुआती रुझान के समय से ही कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला है। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। बिहार से लेकर दिल्ली और कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कर्नाटक जीत पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी बधाई। प्रियंका राहुल गांधी ने कही ये बात। 224 सीटों पर हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई बंपर जीत को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट कर कांग्रेस को शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा ट्वीट करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। ये आपके मुद्दे की जीत है, ये कर्नाटक की प्रगति के विचार को प्राथमिकता देने की जीत है, ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। कर्नाटक कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं व नेताओं को मेरी शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत रंग लाई, कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटक की जनता को दी गई गारंटियों को लागू करने का काम करेगी। जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। इसके साथ ही राहुल गांधी को सभी को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि बंद हो गया नफरत का बाजार और खुल गई मोहब्बत की दुकान। कर्नाटक की गरीब जनता की शक्ति ने पूंजीपतियों को करारा जवाब दिया है। आईपीएल के 16वें सीजन में आज खेला जाएगा डबल हेडर मुकाबला। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में डबल हेडर मुकाबला खेला जाना है। बता दें कि पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान और बैंगलोर के बीच होने वाले मुकाबले की, तो दोनों टीमों के बीच पिछले मैच में आरसीबी ने जीत दर्ज की थी। वहीं अब अपनी हार का बदला लेने आरआर मैदान पर उतरेगी। मालूम हो कि आरआर ने अपने 12 मैचों में से 6 में जीत और 6 में हार का सामना किया है। वहीं आरसीबी ने अपने 11 मैचों में 5 में जीत और 6 में हार का सामना किया है। ऐसे में अगर आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो अपने बचे सभी मैचों में जीत हासिल करनी होगी। वहीं अगर हम बात करें आज होने वाले दूसरे मैच की, तो इससे पहले धोनी ब्रिगेड ने केकेआर को उसके घर में मात दी थी, जिसका बदला लेने केकेआर चेन्नई पहुंचेगी। हालांकि दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। सीएसके ने 12 मैचों में 7 में जीत और 4 में हार का सामना किया है, जबकि एक मैच रद्द रहा है। वहीं केकेआर ने अपने 12 मैचों में से 5 में जीत और 7 में हार का सामना किया है। भारतीय इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत और मलेशिया में 2001 में 7 समझौते हुए। भारत रूस के बीच 2010 में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का 1657 को जन्म हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का 1892 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का 1923 में जन्म हुआ। भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणब मिस्त्री का 1981 में जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनजी चंदावरकर का निधन
1923 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि वृंदा करंदीकर का निधन 2010 में हुआ। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का निधन 2011 में हुआ। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का निधन 1978 में हुआ। बालकर में आज हम बात करेंगे 10 दिन के लिए सब कुछ बंद के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 10 दिन के लिए सब कुछ बंद होने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टेक्निकल ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि देश में 10 दिन के लिए सब कुछ बंद रहेगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, कृपया ऐसी कोई भी संदिग्ध जानकारी आगे साझा न करें। YouTube क्रिएटर्स के लिए पेश हुआ गो लाइव टुगेदर फीचर। YouTube ने कुछ दिन पहले गो लाइव टुगेदर के नाम से एक नए फीचर लॉन्च किया था। अब इस फीचर को YouTube ने आधिकारिक रूप से यूजर्स के लिए पेश कर दिया है। इस नए फीचर से कंटेंट क्रिएटर्स को किसी अतिथि को आमंत्रित कर उसके साथ लाइव स्ट्रीम करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इस नए फीचर के लिए YouTube ने एक शर्त भी रखी। YouTube ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि गो लाइव टुगेदर फीचर के जरिए को स्ट्रीम फीचर को इस्तेमाल करने के लिए क्रिएटर्स को 50 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत होगी। हालांकि आप अतिथि किसी को भी बना सकेंगे। फिलहाल यह फीचर आपको सिर्फ स्मार्टफोन पर ही मिलेगा क्योंकि YouTube ने इसे डेस्कटॉप वर्जन के लिए पेश नहीं किया। हालांकि डेस्कटॉप पर क्रिएटर्स किसी मेहमान के साथ लाइव स्ट्रीम शेड्यूल कर सकते हैं, फिर बाद में अपने फोन के जरिए लाइव हो सकते हैं। राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की हुई सगाई। बीते दिन 13 मई को दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद कपूरथला हाउस में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा की सगाई हुई। मालूम हो कि उनकी सगाई में बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक दुनिया से जुड़े लगभग 150 लोग शामिल हुए। बता दें कि परिणीति चोपड़ा की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची थी। वहीं सगाई समारोह में शामिल होने से पहले प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया था जिसमें एक एम्ब्रॉयडरी ड्रेस की झलक देखने को मिल रही थी और इसके साथ प्रियंका ने एक नोट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने डिजाइनर करण तोरनी को यह ड्रेस डिजाइन करने के लिए शुक्रिया अदा किया था। इसके अलावा सगाई से पहले राघव चड्ढा को भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह कुर्ता पैजामा पहन कर वे चिल करते नजर आ रहे थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, योगेंद्र रजक, शमसाद अहमद, पंकज कुमार दास, अंशु कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अतीक खान, अस्मिता कुमारी, तबरेज आलम, विकास दास, रंजीत, अनवर करीम खान, विवेक कुमार पांडे, ऋतु रानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज मदर्स डे के मौके पर आप अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।